गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग श्री माधुरी मैम, श्री अभिनव सर, श्री गरिमा मैम। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, जो मेरे वर्ड्स हैं वो मैम ने, सर ने आपको बताए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं उससे पहले मैं कुछ 5 मिनट आपके लेना चाहूंगा कि मैं क्या हूं और मैंने कहां से स्टार्ट की और आज यहां पर कैसे आए। ट्रेनिंग देना या फिर बिजनेस करना, एक जगह जगह दुकान खुली हुई है, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर बन जाता, कोई भी आगे ट्रेनिंग दे जाता, बट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो आए हैं वो कौन है और आगे आपके लिए कॉलेज में क्या होने वाला है। आई निमेश बाबा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ बाबा जो प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, आई बिलोंग टू भरतपुर, बहुत छोटा सा टाउन है, गांव टाइप का, और मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा। जब मैंने 10th का एग्जाम दिया मैं फेल हो गया, जब मैंने दोबारा 10th का एग्जाम दिया मैं दोबारा फेल हो गया, फिर मैंने 10th तीसरी बार पास की, फिर 11th किया, फिर 12th में एग्जाम दिया, फिर फेल हो गया। लेकिन मन में क्या था कि एक दिन अपना खुद का प्लेन हो। अगर रोना है तो मर्सिडीज में बैठ के रोना है, रोना सबको है लाइफ में, लेकिन रोना है तो मर्सिडीज में बैठ के रोएंगे। 12th पास की, बीटेक किया, जिस कॉलेज से बीटेक किया 2015 पास आउट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन SIIT जयपुर। 2015 पास करके सेम कॉलेज में आई वॉज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आनंद विद्या कॉलेज वालों ने और यूनिवर्सिटी में, आपको नहीं रहना है। दैट टाइम आई रियलाइज कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो सिर्फ हमें नौकरी देने वाला बनाना है, बाकी हम लोग नौकरी लेने वाला बना रहा है कि पढ़ना है। 1970 में क्या आया, 1820 में क्या आया, 1975 में क्या आया, लेकिन कोई भी कंपनी ये शो नहीं करती है कि 2023 में क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। आप कहीं भी कंपनी में जाएंगे प्लेसमेंट लेने, 1920 में किस टाइप की DI गाड़ी चलती थी, किस टाइप के मोबाइल चलते थे, 1100 9 1100 12, उससे मतलब नहीं है। अभी एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी क्या है, मोबाइल कैसे चल रहे हैं, गाड़ी कैसे चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे चल रहे हैं, आपको आता है तो आपकी वैल्यू है, अदरवाइज नहीं है। दैट टाइम आई स्टार्ट बाबोट प्राइवेट लिमिटेड विद स्मॉल सेटअप ओनली फ्रॉम 2000 रुपीज। एक बाइक का इंजन लिया था 2000 रुपए का, उससे मैंने स्टार्ट किया। सब लोग हंसते थे मेरे पे जयपुर के, जहां पर मैंने स्टार्ट किया कि यार ये आप क्या करोगे, मिस्त्री क्यों बना रहे लोगों को, दुकानें बहुत है, वहां सब सीख जाओगे। ऐसा ऐसा टाइप निकला है क्योंकि मैं जब प्रोफेसर था कॉलेज में तो घर वालों को पता था कि जॉब कर रहा है मेरा बेटा और लेक्चरर बन गया, अब इसकी शादी करेंगे और अब तो सब सेट है। दैट टाइम मैंने 6 महीने में वो जॉब छोड़ दी असिस्टेंट प्रोफेसर की, घर वालों को पता ही नहीं, 2015 के बाद बता रहा हूं। और एक स्टार्ट किया 2000 बाइक के इंजन से, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल निकल गए, 2017 आ गई, बट कोई भी स्टॉक ट्रेनिंग लेने नहीं आया। एक एक रात कैसे निकाली, एक एक पेटीज खा के, भूख लग रही लेकिन पेटीज खाना। फैमिली स्ट्रांग थी, फैमिली में पैसा था, फैमिली अच्छी है, लेकिन उनको ये पता था कि बेटा अभी मेरा जॉब कर रहा है, बट उनको ये नहीं पता था बेटा भूखा सो रहा है, क्योंकि ये चलो मेरे को थी प्रॉब्लम, मेरे को थी, मेरे को मर्सिडीज में घूमना था, घर वालों ने नहीं बोला कि तू भूखा सो, मेरे को शो करना तो हुआ ही है। और आज 2022 है, आज मेरे 10 ब्रांच है इंडिया में, 6-6 फ्लोर की 2 बिल्डिंग्स है मेरी जयपुर में खुद की, 10 IIT से मेरा टाई अप है। मैं कभी किसी कॉलेज में नहीं जाता, ओनली फॉर प्रशांत सर, किसी कॉलेज में नहीं जाता, मैं हजार हजार स्टूडेंट को IIT धनबाद, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, 10 IITs के स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, 15 NITs को हम ट्रेनिंग देते हैं, और 380 कॉलेजेस से बाबा ऑटोमोबाइल का टाई अप है। 5 साल में 25,000 स्टूडेंट का डाटा मेरे पास है, 25,000 स्टूडेंट को ट्रेनिंग हम लोग दे चुके हैं। जो अभी मेरी कंपनी का टर्नओवर है वो है 5 करोड़ रुपए पर ईयर बाबा ऑटोमोबाइल का। मैं सिर्फ यहाँ पर एक दिन के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है, 5 ट्रेनर्स हैं, ऑल आर मैकेनिकल इंजीनियर, 30 लोगों का हमारा टीम है, स्टाफ है 30 लोगों का, बहुत बड़ा नहीं है, सर के जैसे बिजनेस नहीं है सर के, लेकिन थॉट प्रोसेस जो है, तो मैं सर को देखकर मोटिवेट हुआ कि 37 साल की उम्र अगर सर इतना बड़ा ग्रुप बना सकता तो मैं भी, एक ड्रीम है कि मैं भी यूनिवर्सिटी बनाऊं। तो सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए।
कोई फर्क नहीं पड़ता। आईआईटी में जो बंदा है उसके चार हाथ नहीं है, चार पैर नहीं है, दो चार आंखें नहीं है, उसके दो दिमाग नहीं है। जो आईआईटी वाला कर सकता वो भी आप कर सकते हैं। उसके पास भी डिग्री है, आपके पास डिग्री, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री जस्ट अ पेपर ऑफ पीस। आप किसी भी कंपनी में जाना, वहां का जो गार्ड होगा ना, गार्ड ही वहां के एचआर है, डायरेक्टर कहां से आया है, क्या कर रखा है, क्या करेगा, तुम वही डायरेक्टर है गार्ड। आपकी स्किल मैटर करती है। बीटेक वाले, मैं जाता हूँ बीटेक कॉलेज में, व्हाइट कॉलर कहते हैं बीटेक के, हम तो सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारे लिए तो 50,000 की जॉब तैयार है बात। उनको 8,000 की जॉब नहीं मिलती, 10,000 की बीटेक वालों को। उनसे ज्यादा डिमांड किनकी है? डिप्लोमा और आईटीआई वालों की। ये रियलिटी है, आपको अभी फील नहीं होगा। जिस दिन हम निकलेंगे भारत को फील होगा कि जो हमारी वैल्यू है वो बीटेक वाले, क्योंकि बीटेक वाला चाहता था मैं तो 10 लाख खर्च कर गया हूँ, मेरे को एसी केबिन दो, कंप्यूटर दो, एसी चाहिए मेरे को। और डिप्लोमा वाला, आप लोग पसीना बहाइए। कोई 5,000 की जॉब देना, 5,000 की जॉब पकड़ी आप, ये मैं सोचिए कि मेरे तो 5,000 की जॉब करूंगा क्या। जिस दिन आपके सर से फ्रेशर सब हट गया कि आई एम अ फ्रेशर, उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे। जब तक पसीने नहीं बहाओगे, जब तक कुछ नहीं होगा, फैमिली ने आपको यहां तक मजदूरी करके, मेहनत करके, ब्याज लेके आपको पढ़ाया है। अब जिम्मेदारी आपकी है डिप्लोमा के बाद कि आप सेल्फ फंडेड बने आप। और एक जो सबसे बड़ा गैप है एजुकेशन में, क्योंकि सर को भी, यानी जो एकेडमिक्स वाले जो है, उनको एज ए डिग्री या मार्कशीट के लिए आपको पढ़ाना है, और पढ़ाना हमको एज पर यूनिवर्सिटी गाइड जो वहां पर सिलेबस दे रहेगा वही आपको करवाना। तो लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज रही है स्किल, चाहे आप कॉलेज से लें, हमसे लें, या फिर रोड पे जो साइड में बाइक कार है, वर्कशॉप है, उनसे जाके सीखे, सीखना तो पड़ेगा आपको। नहीं सीखोगे तो आप भी भेड़ बकरियों की तरह आ जाओगे लाइन में कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब बहुत है, जॉब की आज के टाइम पे कोई कमी नहीं है, लेकिन जॉब उन्हीं के लिए है जिनके पास स्किल है। आज के टाइम में बुक्स पढ़ते हैं, 1920 में क्या आया, 2001 में क्या, 2002 में क्या आया, कोई बुक शो नहीं करती। चाहे मैं स्पेशल आप कॉलेज के लिए नहीं, मैं ऑल ओवर द इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स है, जो हमारा कल्चर है, सिलेबस, उसके मैं बता रहा हूँ, कोई बुक शो नहीं करेगी 2023 में क्या टेक्नोलॉजी आई है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर किसी कॉलेज में, मान लीजिए कॉलेज में इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो आप पे क्या आना चाहिए कि जो सारी जो जो बुक्स है, जो नॉलेज है A to Z, वो आना चाहिए, तभी तो आप किसी को पढ़ा सकते हैं। ऐसी टाइप से कभी किसी कॉलेज में जाएंगे या फिर किसी कंपनी में जाएंगे तो अभी की टेक्नोलॉजी क्या है और आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं उनकी कंपनी को, उसके लिए वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये तो बस एक पायलट प्रोजेक्ट है। हमारा यूट्यूब चैनल है बाबू ऑटोमोबाइल, इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है। मैं यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आया, पहली बार प्रचार के लिए नहीं आया कि आप मेरे से ट्रेनिंग लो या फिर हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं। बस एक आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझ जैसा लड़का जो 3 बार फेल होकर अगर 50 करोड़ का टर्नओवर कंपनी बना सकता तो आप क्यों नहीं बना सकते। बट आपको ही करना पड़ेगा, घिसना आपको ही करना पड़ेगा, धक्के आपको खाने पड़ेंगे। सोना जितना तपता है उतना निखरता है, ये आपको जानना पड़ेगा। और जो ये सर ने जो बैनर लगाए ना, मैं कल से स्पेशली हर बैनर को अकेले खड़े होकर मैंने सीखा। आपके लिए सिर्फ ये नॉर्मल लाइन्स होंगी, लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशन है जो बहुत ही कम कॉलेज में मिलता है। यहाँ पर जो डाइस पे जो सम्माननीय सब लोग बैठे हैं वो एक फैमिली है, और आपको फैमिली की तरह रखना, ये सबसे अच्छी बात लगी मेरे को कि यहाँ पर आपको कोई तो फील नहीं होने लगेगा। ये तो बड़े बड़े कॉलेज में जाता हूँ सर, मैं वहां पर प्रिंसिपल है, डायरेक्टर, वो मिलते ही नहीं है स्टूडेंट, उनको मतलब नहीं है, अकाउंट्स जाओ, क्लास लो, जाओ। लेकिन सर का इंट्रैक्शन, सर की चीज है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गाँव से हैं, आप कहाँ से हैं, आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट है, आप बहुत अच्छे कॉलेज में आ रहे हैं, और सर हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। इससे बेस्ट हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी देते हैं IITs में, NITs में, जहाँ पर हम लोग 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं बाबू ऑटोमोबाइल, जहाँ पे हम लोग 2-व्हीलर से लेके ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, BMW, टाटा, महिंद्रा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पर ज्ञानों का कॉलेज एक हब बन गया। अब जितना भी 500 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कॉलेज है, उन सबको फ्यूचर में हम लोग ज्ञानोदय में लेके आएंगे कि आपको समर इंटर्नशिप करना है 5 जून में, तो कहाँ जाइए, ज्ञानोदय। तो उस टाइप का हम लोग कॉलेज को बनाएंगे इसको। थैंक यू वेरी मच, जो आपने सुना मेरे को, 5 मिनट मैंने आपको पकाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर एनर्जेटिक वर्ड्स। रोहित सर।